नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। चिनोर के तोमर बस्ती बाथा मोहल्ला भोगीराम की चक्की के आगे लगी 3 DP 2 महीने से फूकी पड़ी थी, जिन्हें विद्युत विभाग बदलने के लिए उतार कर ले गए, लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी आज तक नहीं रखी गई। टीपी जिसे 100 परिवारों के घरों में छाया, अंधेरा, गर्मी और मच्छरों से रहवासियों का हो रहा है बुरा हाल। विद्युत विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जेई वीरेंद्र कुमार धुर्वे का कहना है कि भोगीराम चक्की के पास रखी डीपी पर 5 लाख से अधिक बिल बकाया होने की वजह से नहीं रखी जा सकती। तोमर मोहल्ले की रखा दी जाएगी, माथम मोहल्ले की डीपी चालू है। चिनोर से संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। डीपी कब से फूकी पड़ी थी? लॉकडाउन शुरू होने पहले फूक गई थी। डिम लाइट निकाल रही थी एक, सारे लोग परेशान थे, उनसे शिकायत की तो उसके बाद इसको उतार के और ले गए और रखी तो आज तक नहीं है। परेशान है हम, भारी अब आ गई है बरसात, बच्चे हो रहे हैं बीमार, सब तरह की परेशानी। कितने परिवार इससे प्रभावित हैं? इससे यहाँ से आधे गांव तक की बस्ती है, पपैया जी के घर तक यहाँ से लाइट जाती है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम होशियार का। हाँ, कब से डीपी फूकी पड़ी है? ये लॉकडाउन चला है जब से जो है, ये डीपी 1 पीस निकाल रही थी और बिजली मंडल में जो है शिकायत भी की तो उन्होंने कोई सुनाई नहीं की और जो है डीपी और उतार के ले गए। हम पूरे परेशान हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है मनीष प्रजापति। इस डीपी को लॉकडाउन पहले से फूकी हुई है। यहाँ से कुशवा मोहल्ला से पहले प्रजापति मोहल्ला, ब्रह्मपुरी, पवैया मोहल्ला तक इससे लाइट गई है और यहाँ से लेके पूरा वर्तमान में लाइट आपकी कहाँ से जल रही या नहीं जल रही? यहाँ से कोई लाइट नहीं जल रही हमारी और वार्ड क्रमांक 12 से लेके वार्ड क्रमांक 10 तक कोई लाइट नहीं पहुँच रही। लाइट की बहुत ज़्यादा परेशानी है। संबंध में विद्युत विभाग को अवगत कराया? बहुत शिकायत है कि विद्युत विभाग को कोई वो नहीं है।